नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको सूरदास के जो पद बताया पढ़ाया व्याख्या में, उसके अंतर्गत क्या था कि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, उनकी बड़ाई में बताया। क्या कि भगवान जो कृष्ण हैं वो अपने भक्त की जाति गोत्र धर्म को नहीं मानते हैं। यदि उनका सच्चा भक्त है तो वे उसके अवगुणों को भी माफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, लोग उसी कड़ी में आगे देखते हैं, आगे व्याख्या देखिए कि शरण गए को न उबार्यो, जब जब भीर परी संतति को, चक्र सुदर्शन तहां संभार्यो, भयो प्रसाद जू अम्बरीश को, दुर्वासा को क्रोध निवार्यो, ग्वालन हेत धर्यो को वर्धन, प्रकट इंद्र को गर्व प्रहार्यो, कृपा करी प्रहलाद भक्त पर, खंभ भार हिरना कुम कुस मार्यो, नरहरि रूप धर्यो करुणा कर, छिनक माहि उर नखन विरात विदार्यो, ग्रह ग्रसत गज को जल बूढ़त नाम लेत बाको, दुख टार्यो शूर श्याम बिन और करे को, रंग भूम में कंस पछार्यो। देखिए, सर्वप्रथम व्याख्या लिखते समय हम लोग क्या लिखते हैं, संकेत। अब इस संकेत में क्या लिखेंगे कि शरण गए, इसके पश्चात में डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे, कंस पछाड़े हो, कंस पछाड़े हो। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित हैं। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके पश्चात में इसी में आगे प्रसंग में लिखेंगे कि सूरदास जी भक्ति संबंधी जो विभिन्न अंतर कथाओं के माध्यम से भगवान की जो भक्त वत्सलता का वर्णन इस पद में करते हुए बताते हैं। क्या कि फिर आती है आपकी क्या, व्याख्या, और व्याख्या के पश्चात आता है विशेष। ठीक, तो चलिए देखते हैं व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी देख लेते हैं कि भीर, भीर का अर्थ क्या है, आपत्ति, प्रसाद माने प्रसन्नता, और निवार्यो माने दूर किया, और हेत मतलब कारण, नरहरि रूप मतलब मनुष्य और सिंह का रूप, करुणाकर, करुणाकर मतलब कृपा करने वाले। ठीक है, और छिनक मतलब क्षण मात्र में, विदार्यो, विदार्यो मतलब फाड़ डाला, और ग्राह ग्रसत मतलब मगर द्वारा पकड़े जाने। ठीक, तो इस प्रकार से आपके
कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि शरण गए को न उबारे हो। जब जब भीर परी संतति को चक्र सुदर्शन तहां संभारे हो। सूरदास जी कहते हैं क्या कि जो जो आपकी शरण में आया, आपके चरणों में आया, आपके सामने आया, उनमें से आपने किस किस को नहीं उबारा है, किस किस का उद्धार नहीं किया है। जब जब भीर परी संतति को चक्र सुदर्शन तहां संभारे, अर्थात सभी को उबारा है, सबका भला किया है। जब जब भक्तों पर कोई आपत्ति आई, क्या कि जब जब भीर परी संतति पर, जब जब भक्तों पर कोई आपत्ति आई, कोई समस्या आई, तब तब आपने सुदर्शन चक्र को संभाला, अर्थात उसके द्वारा दुष्टों को दंडित किया। वो सुदर्शन चक्र के द्वारा जो दुष्ट थे उनको दंडित किया गया। भयो प्रसाद जो अम्बरीश को, दुर्वासा को क्रोध निवारे हो। आगे कहते हैं उनमें से आपने सभी को उद्धार किया, और जब अम्बरीश पर आपकी कृपा हुई, भयो प्रसाद जो अम्बरीश को, दुर्वासा को क्रोध निवारे हो। कि जब अम्बरीश पर आपकी कृपा हुई तो आपने दुर्वासा ऋषि का जो दर्प था, जो घमंड था, अहंकार था, उसको चूर चूर कर दिया, समाप्त कर दिया। ग्वालन हेत धरो गोवर्धन, प्रकट इंद को गर्भ प्रहारो। आपने ब्रज के ग्वाल वालों के कारण आपने गोवर्धन धारण किया और इंद्र का जो गर्भ था, घमंड था, उसको मिटाया, समाप्त किया। कृपा करी भक्त प्रहलाद पर, खंभ फार हिरणाकुश मारो। आपने प्रहलाद पर कृपा की तो नरसिंह रूप धारण करके और हिरणाकश्यप का पेट नखों को फाड़ा और एक क्षण में उसे मार डाला। ग्राह ग्रसत गज को जल बूढ़त, नाम लेत बाको दुख टारो। नरहरि रूप धरे करुणामय, और मगर के पकड़े हुए गज को, मगर से पकड़े हुए जो गज को, गज माने हाथी को, आपने जल में डूबने से बचाया। जिसको मगर ने पकड़ लिया था, जो मगरमच्छ होता है उसको पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, किसको, हाथी को, आपने उसको जल में डूबने से बचाया और आपका स्मरण करते करते उसका उद्धार हो गया। ग्राह ग्रसित गज को जल बूढ़त, नाम लेत बाको दुख टारो। स्मरण करते करते, आपका स्मरण करते करते ही उसका उद्धार हो गया। सूरदास श्याम बिन और करे को, रंग भूमि में कंस पछारे। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के बिना ये सब कार्य दूसरा कौन कर सकता है, अर्थात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा इस तरह के कार्य नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण ने ही रंग भूमि में कंस को पछाड़ करके मार डाला था। ठीक, चलिए देखिए इसमें विशेष। क्या आता है विशेष, नंबर एक भाषा, ब्रज भाषा है। नंबर दो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार है, और गाने योग्य पद है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। चलिए देखिए आगे अगला पद देखिए कि श्याम गरीबन हु के ग्राहक, दीनानाथ हमारे ठाकुर सांचे प्रीति निवाहक। कहां विदुर की जाति पाति कुल प्रेम प्रीति के लाहक, कह पांडवों के घर ठकुराई अर्जुन के रक्त बाहक। कहा सुदामा के धन हो तो सत्य प्रीति के चाहक, सूरदास सठ ताते हरिभज आरत के दुख दाहक। देखिए
क्या लिखते हैं सर्वप्रथम हम लोग संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे श्याम गरीबन। ठीक, फिर डॉट 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 करके दुख दाहक। इसके पश्चात में आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्ति काल के कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से अवतरित है और इन पंक्तियों में क्या इन पंक्तियों के माध्यम से या इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण को निर्धनों को अपनाने वाला सिद्ध किया है। श्री कृष्ण को ये बताया है कि जो निर्धन लोग हैं उन्हीं को अपनाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से यह व्यक्त किया गया। इसके पश्चात फिर आती है आपकी क्या व्याख्या। ठीक, तो चलिए देखते हैं व्याख्या। और व्याख्या से पहले यहां कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। श्याम, श्याम का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। और दीनानाथ मतलब दीनों के स्वामी, मतलब दुखियों, दीन दुखियों के स्वामी। और हमारे ठाकुर मतलब श्री कृष्ण। प्रीति निवाहक, प्रीति निवाहक का अर्थ क्या है? प्रेम का निर्वाह करने वाले। ठीक है, कुल मतलब वंश, लाहक माने लेने योग्य और ठकुराई मतलब राज्य और सठ माने मूर्ख, ताते मतलब इसलिए और आरत माने दुखी। ठीक, ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि श्याम गरीबन हु के गाहक, दीनानाथ हमारे ठाकुर सांचे प्रीति निवाहक। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो केवल निर्धनों को पकड़ने वाले हैं, निर्धनों का ही उद्धार करने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण निर्धनों को ही अपनाते हैं, उनको ही अपना शिष्य मानते हैं या सबसे नजदीकी उन्हीं को मानते हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी दीनों के स्वामी हैं तथा प्रेम का निर्वाह करने के रूप में सच्चे सिद्ध हुए हैं। दीनानाथ हमारे ठाकुर साचे नीत निवाह प्रीत निवाहक। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी दीनों के, दीन दुखियों के स्वामी हैं तथा प्रेम का निर्वाह करने वाले के रूप में सच्चे सिद्ध हुए हैं। कहा विदुर की जाति पाति कुल प्रेम प्रीति के लाहक। विदुर की जाति, पंक्ति और वंश क्या श्रेष्ठ था? नहीं, विदुर तो दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर जी की केवल प्रेम और प्रीति के पात्र थे। यानी विदुर जी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, प्रेम और प्रीति के ही पात्र थे, इसी कारण श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की। कहा पांडव के घर ठकुराई अर्जुन के रथ वाहक। इसी कारण श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की और श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ न देकर के पांडवों का साथ दिया था, क्योंकि पांडवों के पास कोई राजा नहीं था। पांडव तो राज्यहीन थे, फिर भी श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ न देकर के अर्जुन का रथ हांकना स्वीकार किया। कह पांडव के घर ठकुराई अर्जुन के रथ वाहक। अर्जुन का रथ हांकना स्वीकार किया। कहा सुदामा कह धन हो तो सत्य प्रीति के चाह। कौरवों में बड़े कौन थे? दुर्योधन के पास राज था। कृष्ण जी ने सुदामा से मित्रता की। सुदामा के पास क्या कोई धन संपत्ति थी? कुछ नहीं था, बहुत ही गरीब थे। लेकिन श्री कृष्ण जी तो सच्चे प्रेम के अभिलाषी हैं,
क्या है? सत्य प्रीति के चाहक श्री कृष्ण सच्चे प्रीति के, सच्चे प्रेम के अभिलाषी हैं, सच्चे प्रेम के चाहक हैं। तो इस तरह से सूरदास सठ ताते हरि भज आरत के दुख दाहक। सूरदास जी ने अपने मन से कहते हैं कि हे मेरे मूर्ख मन, श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं अपने मन में कि हे मेरे मूर्ख मन, इसलिए तू भगवान श्री कृष्ण का, सूरदास जी बात कहते हैं कि इसलिए तू भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, श्री कृष्ण दुखी का दुख नष्ट करने वाले हैं। क्या सूरदास सठ ताते हरि भज आरत के दुख चाह, कि हे मेरे मूर्ख मन, सूरदास जी कहते हैं इसलिए तू भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, और श्री कृष्ण जी कैसे हैं? दुखी का दुख नष्ट करने वाले हैं, उनके दुख को समाप्त करने वाले हैं। ठीक, अब चलिए देखिए विशेष। नंबर एक, भाषा ब्रज है। नंबर दो, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अनुप्रास अलंकार है। और नंबर तीन, गाने योग्य पद है तथा भाषा एवं भक्ति रस का परिपाक हुआ है। ठीक है, ये आपका विशेष हुआ। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम लोग इसी के आगे, इसी कड़ी में आगे हम लोग फिर व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।